सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाजिर हूं नदीम आपके साथ एमसीक्यूज ऑन करंट अफेयर्स 2021 के 20 सितंबर को लेकर के। जी हां, 20 सितंबर का एमसीक्यूज। आइए पहले आपका आज का के स्लोगन पर जाते हैं। और आज का स्लोगन जो है वो है, एवरी पेन गिव्स अ लेसन एंड एवरी लेसन चेंजेस अ पर्सन। आइए इसी स्लोगन के साथ हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चरणजीत सिंह अलियास चन्नी सिंह इज द फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, सेकंड दलित, थर्ड दलित, फोर्थ दलित चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। यानी कि चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सही है। तो आपको जैसा कि मालूम ही होगा, ही इज द फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। नेक्स्ट आते हैं और फिर देखते हैं कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट हियर। द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इज इम्पावर्ड टू इशू नोटिफिकेशन ऑफ एनआरसी ऑफ असम। यानी कि रजिस्ट्रार जनरल को पावर है कि असम के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को पब्लिश करने, यानी नोटिफाई करने के लिए। या विवेक जोशी इज द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। यहाँ पे विवेक जोशी के बारे में बोला जा रहा है कि वो रजिस्ट्रार हैं जनरल, रजिस्ट्रार जनरल हैं और सेंसस कमिश्नर हैं। बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव। द आंसर इज बोथ आर करेक्ट। जी हाँ सर, बोथ आर करेक्ट इज द आंसर। सो लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। और यहाँ पर देखते हैं, द रैली ऑर्गेनाइज बाई जम्मू एंड कश्मीर पुलिस इज नेम्ड एज पेडल फॉर पीस। द रैली फॉर द पीस, बोथ, नन ऑफ द अबव। द आंसर शुड बी पेडल फॉर पीस। यानी कि पेडल फॉर पीस इज द रैली ऑर्गेनाइज बाय जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, पेडल फॉर पीस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर गलत इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनने के लिए कहा जा रहा है। और आइए, द हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इज द नाग। ठीक है, और हेलेना जो है ये भी आपको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो नाग एंड हेलेना हैज बीन डेवलप्ड इंडिजिनसली। जी हाँ बिल्कुल, ये दोनों इंडिजिनसली डेवलप किया गया है। और दूसरा आते हैं, हेलेना इज अ थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट क्लास ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल माउंटेड ऑन एन इंडिजिनस एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। और तीसरा जो स्टेटमेंट है, इट हैज अ मिनिमम रेंज ऑफ 500 मीटर एंड अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 7 किलोमीटर। तो ये इन तीनों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही है, सॉरी इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट चूंकि सभी स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, इसलिए आंसर होगा नन ऑफ द अबव। यहाँ फिर से एक बार दोहरा दूं कि नाग और हेलेना जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और ये थर्ड जनरेशन का फायर एंड फॉगर क्लास है, ATGM है, और जिसे ALH यानी के लाइट एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर में इसको माउंट किया जा सकता है। इसकी रेंज जो है 500 मीटर से लेकर के 7 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग और देखते हैं, नवरंगपुर अभी न्यूज में आया था, ये किस स्टेट का ये डिस्ट्रिक्ट है। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बोथ एंड नन ऑफ द अबव। द आंसर इज उड़ीसा। जी हाँ, अभी हुआ ये है कि R&D लैब्स ट्रांसफॉर्म लाइवलीहुड इन उड़ीसा पोरेस डिस्ट्रिक्ट। उड़ीसा का उनके पोरेस इसमें इस डिस्ट्रिक्ट में जो R&D वर्क्स हुआ है, यहाँ पर कई संस्थाओं ने के वहाँ पर अपना दाव लगाया और वहाँ पर उनके लाइवलीहुड को चेंज करने की कोशिश की गई है और एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग और देखते हैं कि सही कथन का पता लगाया है। द हेलेना ध्रुवास्त्र आर द थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स that can engage target both in direct hit mode as well as a top
अटैक मोड। द ज्वाइंट यूजर ट्रायल्स ऑफ हेलिना द आर्मी वर्जन और ध्रुवास्त्र इंडियन एयरफोर्स वर्जन हैव बीन कैरिड आउट फ्रॉम एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म। ये क्वेश्चन तो लगभग इसमें दोहराया गया है, बहरहाल ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है इस बात से कि यहाँ पर ध्रुवास्त्र भी आया है। ध्रुवास्त्र जो है किस सेना के किस कमान से जुड़ा हुआ है, दैट इज द इंडियन एयरफोर्स से, और हेलिना जो है वो आर्मी के लिए है। तो यानी कि जाहिर सी बात है कि दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहे हैं। देखें जी हाँ, दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए बोथ आर द आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हेडक्वार्टर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली। द आंसर इज हैदराबाद। जी हाँ, द आंसर इज हैदराबाद। यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा हैदराबाद। जी हाँ, नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान इंडिया हैज इन्वेस्टेड इन वेलफेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अबाउट $5 बिलियन, $4 बिलियन, $3 बिलियन, $2.5 बिलियन। द आंसर इज $3 बिलियन। दैट्स ऑल माई फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी। धन्यवाद। हैव अ गुड डे।